नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन किए। उन्होंने भगवान श्री महाकालेश्वर का जल एवं पंचामृत से अभिषेक कर विधिवत पूजा अर्चना एवं आरती की। उन्होंने देश एवं प्रदेश की उन्नति, प्रजा के कल्याण और विश्व शांति के लिए भगवान श्री महाकाल से प्रार्थना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नंदी मंडपम में श्री नंदीकेश्वर भगवान का पूजन किया और बाबा श्री महाकालेश्वर का ध्यान भी किया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर रेजिडेंसी कोठी परिसर में पौधारोपण किया। महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू ने कदंब के पौधे का रोपण किया। तत्पश्चात महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने रेजिडेंसी प्रांगण में रुद्राक्ष के पौधे का रोपण किया। इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पारिजात पौधे का रोपण रेजिडेंसी प्रांगण में किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जनदर्शन में सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। आपको बता दें कि दूर दराज से प्रदेश के सभी जिलों से आने वाले लोगों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जनदर्शन में आए लोगों की सुविधा को लेकर मुख्यमंत्री ने स्वयं निर्देश दिए थे, जिसके बाद आज जो है जनदर्शन में पहुंचे लोगों के लिए सुविधाएं और बेहतर हुई है। मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश आसानी से हो सके और लोगों के लिए चाय पानी एवं सप्लाहार का प्रबंध भी किया गया है। बस्तर परिवहन संघ और जय जाडेश्वर परिवहन समिति ने अपनी मांगों को लेकर बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें एनएमडीसी स्टील प्लांट में भारी वाहनों द्वारा सामान के परिवहन पर आपत्ति जताई है। बस्तर परिवहन संघ के अध्यक्ष अमर सिंह परिहार ने बताया कि भारी ट्रकों के संचालन से स्थानीय परिवहन व्यवसाय को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि ट्रकों के किराए में भारी कटौती की गई है, जिससे ट्रक मालिकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस स्थिति को सुधारने के लिए एकजुट होकर किराया तय करने की योजना बनाई है, जिसमें हैदराबाद तक 2700 रुपये और रायपुर तक 1500 रुपये प्रति टन का किराया तय किया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो आगामी दिनों में चक्का जाम करने की बात भी कही गई है। नगरनार एनएमडीसी का स्टील प्लांट के माध्यम को देखते हुए जो परिवहन हो रहा है, बाहर की गाड़ियां आके परिवहन कर रही हैं, जिसमें हमारे क्षेत्रीय लोगों का नुकसान हो रहा है। बाहर क्षेत्र के लोग आके यहां से गाड़ियों पे माल भर के ले जा रहे हैं और क्षेत्रीय लोग यहां बैठे हुए हैं। और दूसरा मुद्दा था हमारा रेट का। जब ये नगरनार प्लांट से उत्पादन शुरू हुआ था 3100 रुपये हैदराबाद का रेट था, रायपुर का 1600 रुपये रेट था, जो आज ट्रांसपोर्टरों की आपसी टकराव में 1900 रुपये 1800 रुपये हैदराबाद हो गया, रायपुर का माल 900 रुपये में गया। तो क्षेत्र के लोगों के हितों की ये लड़ाई है, जिसमें बस्तर परिवहन संघ, जय जाडेश्वर समिति संयुक्त एक बैनर तले सारे माल की परिवहन को अपने माध्यम से, अपने नियमों से चलवाना चाह रही है। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं अपने ट्रांसपोर्ट बंधुओं को भी कहूंगा, वो भी साथ दें, वो अपनी ट्रांसपोर्ट यथावत चलाते रहें। हमारा कोई विरोध नहीं है उनकी ट्रांसपोर्ट से, बस बस्तर का विकास और बस्तर के लोगों के हित के विकास की ये लड़ाई है, जिसमें वो सारे हमारे साथ सहभागिता निभाएं। रेट फिक्स करने के लिए, संगठित करने के लिए आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आधे से ज्यादा को सूचना मिल जानी है। बाकी हम अपनी एक संयुक्त बैठक रखेंगे, जिसमें हम सबको आमंत्रित करेंगे और इस विषय से अवगत कराएंगे। हर कोई चाहता है कि 4 पैसा ज्यादा बचे। बस्तर परिवहन संघ, जय जाडेश्वर समिति मिलके क्षेत्रीय लोगों के हित के लिए आगे आई है, क्षेत्र के लोगों के हित में हमेशा खड़ी रहेगी। तब आएगी जब हमारी इन मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा, फिर हमें मजबूर होकर चक्का जाम की स्थिति पे धरने पे। समय सीमा अभी तो नहीं मैं बता सकता, क्योंकि अभी हमारी ये मांगे हमने रखी है। कल अगर हमारी मांग पूरी हो गई तो मैं आपको समय सीमा नहीं दे पाऊंगा। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो हमारे धरने का जो भी दिन तारीख तय होगा वो मैं आपको बताऊंगा।
तो वहीं सर्व आदिवासी समाज द्वारा बहुचर्चित संदीप लकड़ा हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां ज्ञापन एसडीएम सीतापुर को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे की गिरफ्तारी सहित 8 सूत्रीय मांगों को शासन प्रशासन शीघ्र पूरा करे, अन्यथा समाज द्वारा उग्र प्रदर्शन वे चक्काजाम आंदोलन किया जाएगा। संदीप हत्याकांड का आज 10वां दिन आंदोलन है, उनके जो हत्यारे हो पकड़े नहीं गए हैं और उसको लेकर के लगातार उनका परिवार, उनके रिश्तेदार और ग्रामवासी, सर्व आदिवासी समाज सब आंदोलित हैं। किसी भी समाज के लिए मृतक का डेड बॉडी को इतना दिन तक रखना समाज के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि आज हम ऐसे समाज से आते हैं और उस समाज में इस प्रकार का अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है और शासन प्रशासन के लिए श्रम की बात है। वैसे भी मुख्यमंत्री जी माननीय विष्णुदेव साय जी, विष्णु भगवान का जो शस्त्र है वो क्या है, चक्र है, सुदर्शन चक्र है, और अपराध पर नियंत्रण करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाइए, हम तो ये आग्रह करेंगे। आपके पास वो अधिकार है कि आपका प्रशासन लापरवाही किया है, यहाँ पर नेग्लिजेंसी हुआ है, उस मृतक परिवार को ढाढ़स देने के लिए, उनको संतावना देने के लिए आप शासन की ओर से कुछ घोषणा क्यों नहीं कर देते हैं, उनके परिवार को आर्थिक सहायता के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, किसी सरकारी विभाग में योग्यता अनुसार बहुत सारे पद रहते हैं, क्यों नहीं घोषणा कर देते हैं। ये सब करेंगे तो मानवता के लिए भी अच्छा है और मृतक परिवार के लिए भी, और जो आंदोलन बढ़ता जा रहा है उसको भी शांत करने के लिए ये आवश्यक कदम है, उसको माननीय प्रदेश के मुखिया को सोचना चाहिए। देखिए, समाज का मुख्य जो मांग है वो मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे की गिरफ्तारी है, जिसमें पुलिस निरंतर गिरफ्तार करने के लिए लगी है और इस पे पुरस्कार भी उक्त व्यक्ति पे घोषणा हुई है, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो मांगे थी तो मांगे शासन द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी घोषणा किया गया है, लेकिन अभी तक जो मुख्य मांगे पे बात रुकी हुई है वो अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या लगता है लगातार आदिवासी, देखिए अभी के समय में इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाकर पीड़ित पक्ष के साथ खड़े रहना चाहिए, जो कि हम लोग खड़े हैं और निरंतर इस पर गिरफ्तारी के लिए भी काम किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ समाज धरना पे बैठी हुई है और मांगे रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को शासन के माध्यम से भी और हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया गया है। आज सर्वाधिवासी समाज के द्वारा जो कुछ दिनों से जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, आज उनके द्वारा जो है वो रैली निकाली गई। रैली निकालने के बाद में उनकी जो 8 सूत्री मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए SDM सीतापुर को जो है ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कि आवश्यक जो बल और व्यवस्था जो है लगाई गई थी। आज सर्व आदिवासी समाज के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जो 8 सूत्री मांगे हैं उसमें मुख्य रूप से आरोपियों की गिरफ्तारी और शासन से मुआवजे की जो मांग की गई, तो सभी मांगों से शासन को अवगत करा दिया गया है। और आरोपियों की गिरफ्तारी की जो बात है, उसमें 7 आरोपियों में से 6 ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, एक जो है फरार है और पुलिस पूरी तत्परता से उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। और जो मुआवजे की बात है उसमें ऑलरेडी जो है शासन से जो 8 लाख रुपये मिलता है, 8,25,000 रुपये वो भी देने की घोषणा की गई है, और अलग से 10 लाख रुपये भी देने की घोषणा की गई है। तो सभी मांगों पर जो है शासन पूरी गंभीरता से और सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है और प्रयास पूरा किया जा रहा है कि समाज को समझाया जाए, कन्विंस किया जाए और इस धरना को समाप्त कराया जाए। अंतिम संस्कार को क्या बात सामने आ रही, क्या लगता है? उसके लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है, लगातार समाज से बात की जा रही है, उनके जो कुछ मांगे हैं उस पर ही वो अभी फंसे हुए हैं,
तो हमारे तरफ से पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द अंतिम संस्कार किया जाए। शव कहाँ रखा गया है? अभी जो है मरचूरी में है, मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में।